लोग खैर बेचारों को सेल्फिश सेल्फिश बोले होते हैं, बट खैर बाबर आजम लेके हम बात कर लेते हैं जी, पाकिस्तान के स्टार हैं। पे बैक पीरियड पे बात करते हुए हम पे बैक टेक्निक पढ़ेंगे बाबर आजम के सवाल के साथ। पे बैक का पहले मतलब समझ लें, व्हाट इज पे बैक। मैं चाहूंगा एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लें, मगर पहले ओरली भी कुछ बात कर लेते हैं। पे बैक पीरियड नाम से ही लग रहा है, पे बैक पीरियड क्या शो करेगा जी? आप लोगों को क्या लग रहा है पढ़ के? पे बैक पीरियड क्या शो करेगा भैया? बिल्कुल, टाइम टेकन। पीरियड मीन्स टाइम, पीरियड मीन्स टाइम, टाइम टेकन टू रिकवर इन्वेस्टमेंट। टाइम टेकन टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, कितने अरसे में पैसा वापस आ जाता है? पैसा कितने टाइम में वापस आएगा? अगर आप किसी मेमन दोस्त के साथ बैठेंगे, मेमन न्यू, इसमें क्लियर कर दूं, तो मेमन दोस्त के साथ आपने बोला जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, 10 लाख रुपए लगाने हैं, बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, सबसे पहला सवाल वो ये करेगा मेमन दोस्त आपका, यार रिटर्न रिटर्न को छोड़ो, ये बताओ पैसा वापस कब आएगा? ये मेरे 10 लाख रुपए मुझे वापस कब मिलेंगे? पहले मुझे ये बता दो, पहले मैं अपना रिस्क चेक कर लूँ ना भाई, मुझे एक्चुअली पैसे वापस कब मिलेंगे? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी, तो ये मुझे बताएं, छोटा होना चाहिए कम होना चाहिए? इट शुड बी हायर और इट शुड बी लोअर? इट शुड बी स्मॉल और इट शुड बी हायर? ये आंसर जो है कहाँ लगता है? पे बैक पीरियड जितना जल्दी अच्छी बात है, हालात का भरोसा नहीं है, जल्दी पैसे पकड़ो और अपना रिस्क कवर करो, जितना ज्यादा होगा उतना रिस्क बढ़ जाएगा यार, जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा फकर अब्बास, इकरा जमाल, नानूर खालिद, सभी हैदर, एच कासमानी, तासीर जिया, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अच्छा आप जल्दी से आते हैं, कहा कह रहे थे भैया? हाँ अब हम जल्दी से आते हैं सवाल पे। बाबर आजम लिमिटेड कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द फोर प्रोजेक्ट्स बिलो, द कंपनी इंटेंड्स टू मेक डिसीजन ऑन द बेस ऑफ पेबैक पीरियड, कैलकुलेट पे बैक पीरियड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस एंड सजेस्ट सुटेबल प्रोजेक्ट ऑन इट बेसिस। चार प्रोजेक्ट है ए बी सी डी। बहुत पहला आसान सा पहला है, पहले प्रोजेक्ट में 240 मिलियन बाबर आजम ने 24 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, हर साल उनको 80 मिलियन 80 मिलियन 80 मिलियन 80 मिलियन 4 साल तक मिलते रहे। मुझे बता दें क्या पहले साल पे बैक हो गया? क्या पहले साल सारे पैसे वापस आ गए? नहीं है। क्या सेकेंड ईयर में पे बैक हो गया? नहीं, दोनों सालों को मिला के 160 हुए अभी सर, 240 पूरे नहीं हुए। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हो गया पे बैक, तीसरे साल हो गया पे बैक, ये 3 सालों में पूरे पैसे एक एक रुपया रिकवर हो गया, तो पे बैक पीरियड कितना हुआ? पे बैक पीरियड इज एब्सोल्युटली 3 ईयर्स। क्या ये बात समझ आती है? 3 सालों में पैसा रिकवर हो गया हमारा, 3 साल डॉट 3 साल एग्जैक्ट पे बैक पीरियड। लॉजिक समझ आ रही है? एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा प्रोजेक्ट बी का पेबैक बताएंगे आप जरा, क्या प्रोजेक्ट बी का एक बी का पीरियड पहले साल हो गया? नो। क्या प्रोजेक्ट बी का पीरियड 2 सालों में हो गया? नो। क्या प्रोजेक्ट बी का पीरियड पेबैक पीरियड क्या 3 सालों में हो गया? जल्दी बताएंगे, 3 सालों में तो ये ज्यादा चला गया, 120 प्लस 120 240 हो गया, और 240 और 200 360 चला गया, हमें तो 300 पे रोकना था, ये 360 पे चला गया, क्या करें? 3 सालों से पहले हुआ है ये, प्रो रेट कर ले लें, प्रो रेट प्रोपोर्शनल, आसान है ना यार, ऐसे ही बता दो। इतनी मैथ सो में आती है सर, सर इतना आप हल्का ना ले हमें, सर इतनी मैथ सो में आती है सर, 160 120 हो गया, हमरे को तो खाली 60 चाहिए था, इन्होंने तो 120 कमा के दे दिया, ये कैश फ्लो पे बात हो रही है, तो इसका मतलब पे बैक हो गया 2.5 ईयर्स, 2 ईयर 6 मंथ्स, 2.5 ईयर्स विल बी योर पे बैक पीरियड। ठीक है जी, बात समझ आई? ठीक है, इवनली एज्यूम कर रहे हैं, कुछ क्लियर है बात हमें? कंफर्म करें।
नोट करें। अच्छा ये थर्ड वाले का ट्राई करें आप, चलें थर्ड वाले का आप ट्राई करें, सी का, सी का और डी का आप ट्राई करें, मैं बात करते हैं, मैं वो कर रहा हूँ, सी और डी आप ट्राई करें। ठीक है जी, आंसर आने शुरू हो गया, दैट्स ग्रेट यार। एक सौ पचास, 150, 120 और 280, तो पहले साल 150 हो गया, फिर 150 मजीद 300 हो गया, 420। पे बैक पहले साल नहीं आया, दूसरे साल भी नहीं आया, तीसरे साल आ चुका है पे बैक, मगर आगे चले गए। अच्छा एक टेक्निक समझ लें प्लीज, पेपर में क्या करना है उसमें आसानी हो जाएगी, टाइम लाइन बना के मैं समझाना चाहूँगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखना है प्लीज, ये देखिएगा प्लीज, ईयर वन में 150, फिर ईयर टू में मजीद 150, तो ये हो गया 300। ठीक है, अब आप मुझे बताएं सेकेंड थर्ड ईयर में ये 120 कर रहा है मजीद, सही है, यानी कि 420 पे जा रही है ईयर थ्री के एंड पे, मगर आपको 420 नहीं चाहिए ना यार, आपको तो मजीद, आपको तो पे बैक का मतलब ब्रेक इवन, पे बैक का मतलब है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, पे बैक का मतलब है बस पैसे रिकवर हो जाए, वो तो 400 पे हो जाएंगे, तो कितना सफर बाकी है, कितना सफर बाकी है, 120 पूरा नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ 100 चाहिए, सिर्फ 100 का सफर रह गया, तो 2 साल पूरे, 2 साल पूरे, 100/120, 100/120, 120 पूरा नहीं चाहिए हमें, 120 में सिर्फ 100 मार्क्स चाहिए, इसको इस तरह समझ लो, अगर 120 मार्क्स का पेपर है तो मुझे सिर्फ 100 चाहिए पेबैक करने के लिए, मेरी बात समझ आ रही है? 2.886 आ रहा है, 2.83 आ रहा है, 2.83 आ रहा है आशीष, आशीष 2.833 आ रहा है मेरे ख्याल से, और अगर मंथ्स में करना चाहते हो, और अगर मंथ्स में करना चाहते हो, ठीक है जी, बात समझ आई? ठीक है, 2 ईयर्स एंड 10 मंथ्स, 2 ईयर्स एंड 10 मंथ्स, क्लियर है बात हमें? ठीक है, अच्छा अब सी के बाद मैं आता हूँ डी के, डी के पेबैक में क्या करेंगे, डी के पेबैक में, अच्छा मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, टेबल बना के भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट डी का, मैं फॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, पेपर में आप क्या करोगे देखना प्लीज, ईयर प्लीज गौर से देखना यार, ये फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे अगर आप ऑर्गेनाइज अप्रोच चाहते हो, कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ठीक है, पे बैक पीरियड, कैश फ्लोज कितने कितने, ईयर जीरो पे कितने कैश फ्लोज हैं, जल्दी जल्दी फाइनल कर लेते हैं। सही है, आपके काफी लोग आंसर आ चुके हैं, मैं आई एग्री, 500, 100, 200, 90, 165, सौ के बाद क्या था, 200, 90, 165, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, क्यूमुलेटिव मीन्स कंबाइंड, फाइव हंड्रेड क्यूमुलेटिव, 500 माइनस है और 100 प्लस है, कितना हो गया, 500 माइनस है 100 प्लस है, कितना हो गया, अगेन अभी भी माइनस में चल रहा है, अभी भी माइनस में चल रहा है, अभी भी ओवरऑल नेगेटिव में, मेरी बात समझ आ रही है, पेबैक नहीं आया अभी, आपके 500 नेगेटिव था, 500 का डेफिसिट, अभी 100 रन बने खाली,
जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको पता है 400 का डेफिसिट है, 400 की ट्रेल है, फिर 200 आ गए, अभी कितना डेफिसिट है, अभी भी 200 का डेफिसिट है भैया, अभी भी 200 का डेफिसिट है भैया। ये क्यूमुलेटिव कैसे आ रहे हैं इन दोनों को ऐड करके, क्यूमुलेटिव कैसे आ रहे हैं इन दोनों को ऐड करके, जो प्रीवियस बैलेंसेस में जो इनफ्लो आया है वो एडजस्ट किया, अब 200 माइनस 200 माइनस है, यहाँ कितना आएगा, इधर कितना आएगा, अगर मैं टेबल फॉर्म में जाऊँ, टेबुलर फॉर्म में जाऊँ, ऑर्गेनाइज मैनर में जाऊँ, तो 90 और आ गया, 110 हो गया। यहाँ भी पेबैक नहीं आया, इधर भी पेबैक नहीं आया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 55+ हो गया, 55 ऊपर चला गया, तो हमें तो नहीं चाहिए था 55, हमें तो सिर्फ 110 चाहिए था, हमें तो 165 नहीं चाहिए, ये तो 165 ला के दे रहा है, हमें तो 110 पे हम खुश हो जाएंगे, हमें 110 पे पेबैक आ जाएगा, तो पेबैक कितना हुआ, जवाब दीजिए, पेबैक कितना हुआ, अरे हमारा पेबैक कहाँ हुआ, थ्री ईयर्स पूरे, थ्री पॉइंट सिक्स सेवन ईयर्स, और अगर मंथ में जाऊं, मंथ कितने लोगों का ये आंसर आ गया था, डेसिमल में आया या मंथ में आया, कितने लोगों का ये आंसर खुद से आ गया था, पहले से मेरे लिखने से पहले कितने लोग ये आंसर निकाल चुके हैं, प्लीज मुझे कंफर्म करें, यस लिख दें चैट के थ्रू, मंथ में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। एच कासमानी, अक्सा, इकरा, रोहन, फखर, क्लियर है बात हमें, आशीष ठीक है, आशीष 3.6 3.67 चल जाएगा, फखर अब्बास, रोहन ठीक है, क्लियर है, किसी का कोई गलत था तो देख लें, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लीजिए प्लीज, ये थोड़ा ऑर्गेनाइज मैंने जिसका आ भी चुका है मैं कहूंगा फिर भी अभी टेबल नोट कर लो, ताकि आपको एक पेपर में बदल जाए, पेपर में टेक्निक क्या फॉलो करनी है, टेक्निक क्या फॉलो करनी है, जल्दी से नोट करेंगे यार प्लीज, क्विकली क्विकली नोट करेंगे, टाइम का मैं मुकाबला सकते हैं, जल्दी से शाबाश, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लीजिए, पूछ लीजिए जल्दी से, आगे बढ़े, नोट करें जल्दी से शाबाश, बेल आउट पे बैक इंडियन कॉन्सेप्ट है, फिर बात करते हैं इसको, नोट कर लें जल्दी से नोट, अच्छा चलें यार एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बेल आउट पे बैक, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट पे बैक पीरियड विदाउट कंसिडरिंग बेल आउट एंड कैलकुलेट पे बैक पीरियड, बेल आउट पे बैक पीरियड है, बेल आउट पे बैक पीरियड क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है, यहाँ बुक में भी लिखा हुआ है, हमारी बेल आउट पे बैक पीरियड होता है कि पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू अकाउंट पॉसिबिलिटी ऑफ अबंडनिंग द प्रोजेक्ट और एट ईच पीरियड, मुझे एक बार बताएं क्या जरूरी है हम सारे अगर 4 साल का प्रोजेक्ट है 4 साल कंटिन्यू करें, सवाल है मेरा, नहीं अभी नहीं है बिल्कुल रोहन, इसलिए हम उसको हटा रहे हैं अभी ना, वर्किंग कैपिटल इसीलिए मैंने कहा बाद में डिस्कस करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे, अच्छा सवाल मेरा समझिएगा सुनिएगा, बेल आउट पेबैक में मेरा सवाल से रिलेटेड मेरा सवाल है, क्या जरूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट के 4 साल पूरे करें, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट को बेच के देखें कितने पैसे आ रहे हैं, अगर अच्छे पैसे मिल जाते हैं तो बस सही, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, या 2 साल बाद देखें पैसे कितने आ रहे हैं, या 3 साल बाद देखें पैसे कितने आ रहे हैं, तो बेल आउट पेबैक आपको ये इंडियन कॉन्सेप्ट है ये बताता है, हमारी बुक में ही मौजूद है, आईकेएफ के स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है, कि वो पेबैक पीरियड है जो टेक इनटू अकाउंट द पॉसिबिलिटी ऑफ अबंडनिंग द प्रोजेक्ट, अबंडनिंग द प्रोजेक्ट एट ईच पीरियड एंड, अगर आपको ईच पीरियड एंड पे एक ऑफर मिले कि आप अपने बिजनेस को बंद करें जाएं ये पैसे लेके, तो क्या हमें ये करना चाहिए, क्या इससे पेबैक आ जाएगा, क्या जल्दी पेबैक आ जाएगा, तो ये हमें जो है यहाँ पे बताता है, ठीक है जी, अब इसको जरा जल्दी से हम एक सवाल के थ्रू देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपने गौर से देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्विज होगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्विज होगा, ठीक है 3 आपने गौर से देखना और फिर 4 आपका क्विज हो जाएगा, सवाल पढ़ेंगे, मोहम्मद आमिर लिमिटेड इज इन्वेस्टिंग इन अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000, 7.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए मोहम्मद आमिर को, द फॉलोइंग एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट, एनुअल नेट कैश फ्लो बता दिए 200 250 300 400, नेट कैश इनफ्लो रिजल्टेड फ्रॉम बेल आउट 450 300 150 0, ठीक है रिक्वायर्ड कैलकुलेट पेबैक पीरियड विदाउट कंसिडरिंग बेल आउट, ठीक है और बी में कैलकुलेट बेल आउट पेबैक पीरियड, तो स्टार्ट करते हैं, तो अब इस पे जरा टेबल देख लें कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें, 4 आपका अभी क्विज होगा,
आपने एयर रखा, आपने कैश फ्लोज रखे, आपने क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज रखे, आपने बेल आउट कैश फ्लोज रखे, आपने ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास जो है वो मैं किसी वजह से यार जीरो से स्टार्ट नहीं करूँ। ईयर वन से स्टार्ट करूँगा। अच्छा देखिएगा प्लीज, पहले साल कैश फ्लो मिल रहा है 200, गौर से देखिएगा प्लीज, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा जी। तो क्या पहले साल पेबैक आ गया? चेक करते हैं जरा। पहले हमने ईयर लिखे 1 2 3, ठीक है। कैश फ्लो क्या क्या है? 200, 250, 300, क्यूमुलेटिव हो गया 200, 450, 450। जब बेल आउट कैश फ्लो देखेंगे प्लीज, बेल आउट कैश फ्लो का मतलब है अगर मैं एक पहले साल ही इन्वेस्टमेंट बेच दो, पहले साल ही इन्वेस्टमेंट बेच दो तो इन्वेस्टमेंट 450 की बिक जाएगी। तो 450 और 200 मैंने अभी तक कमाए, 450 और ऐड करो, क्या पेबैक आ रहा है? क्या पैसे पूरे हो रहे हैं? क्या पैसे वापस मिल रहे हैं? क्या पेबैक हो रहा है? जवाब दें यस और नो में, जवाब दें कितने का डेफिसिट आ रहा है अभी भी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट को पहले साल के आखिर में बेच दूंगा तो 450 अभी मिलेंगे और 200 मैंने कमा लिए थे तो टोटल 650 हो गए, हालांकि मैंने पैसे लगाए थे 750। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपने ऐसा नहीं करना भाई, गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो टोटल क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 650 हो रहे हैं, यानी कि बेल आउट नहीं हुआ, हमने 750 की पैसे लगाए यार। अच्छा सेकेंड ईयर में चेक करें कि अब पे बैक हो गया, कि अब पेबैक हो गया सेकेंड ईयर में, 200 और 250, 450 कमा लिए टोटल, पहले साल 200 कमाए थे, सेकेंड ईयर 250 कमाए थे, 450 हो गए टोटल यार, 450 टोटल हो गए, और ये भी ऐड करें 750 हो गया। ये मैं ऐसे ही सही कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करके सही कर रहा हूँ कि 450 भी मिलेंगे और 300 भी मिलेंगे, जिस तरह यहाँ 200 भी मिलेंगे और 250 भी मिलेंगे, इसी तरह यहाँ 450 भी मिलेंगे और 300 भी मिलेंगे। क्या ऐसा होगा? जवाब दीजिए, क्या हम सही लिख रहे हैं? जवाब दीजिए। नहीं, अगर आप ईयर टू पे आ गए हो, ये अब आपको फॉरगॉन करना होगा, ये अब आप भूल जाएं, ये आपको पास्ट हो गया, ये आपको नहीं मिलता। ऐसा थोड़ी होगा कि 450 का भी बेच दूं और फिर 300 का भी बेच दूं। अबे भाई एक ही बिजनेस है, क्या बात कर रहे हैं आप? 450 भूल जाइए, 450 फॉरगॉन, 450 पुरानी बातें हो गई। हमने बंदे को कहा यार आपने 450 की बात की थी, अब आप 450 का बिजनेस लीजिए, बोलेगा सर आपका बिजनेस 1 साल पुराना हो गया, आपका प्रोजेक्ट 1 साल पुराना हो गया, आपसे मैंने 1 साल पहले बात की थी, आज 2 साल बाद आप आ रहे हैं, आज मैं आपको 450 नहीं दूंगा, आज मैं आपको खाली 300 दूंगा। तो इसका मतलब बेल आउट का जो कैश फ्लो है वो 750 नहीं 300 एड होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? ये बात समझ आ रही है आपको कि हम 300 पे काम करेंगे? 450 गया, पास, गुजर गया, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया तो हो गया, ये 450 तो गया, अब इसके बारे में बात नहीं हो सकती। क्या पेबैक आ गया? यस पेबैक आ गया, 2 ईयर्स इज द पेबैक पीरियड। बेल आउट से बात करें तो 2 ईयर्स इज द पेबैक पीरियड, और अगर विदाउट बेल, सॉरी बेल आउट से बात करें तो 2 ईयर्स इज द पेबैक पीरियड, अगर बेल आउट के बगैर बात करें तो कितना आ रहा है? अगर बेल आउट के बगैर बात करें, बेल आउट के बगैर तो इसको देख लें, अगर बेल आउट के बगैर देखेंगे, यानी कि बेल आउट के कॉलम को मैं साइड में कर दूं, बेल आउट के कॉलम को मैं रिमूव कर दूं, बेल आउट के कॉलम को मैं इग्नोर कर दूं, सिंपल
तीन करके छोड़ दूं तो क्या होगा? फिर 3 ईयर होगा। तो बेल आउट से फायदा हुआ? बेल आउट कुछ लॉजिकल बात रख ली है? हाँ? कुछ लॉजिकल लग रहा है कि ऐसा हो सकता है ना दुनिया में कि हम बेल आउट पे काम कर लें, जल्दी बेच दें प्रोजेक्ट को, बेच के आगे बढ़े। आजकल तो बहुत बिजनेस बिक रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जो है वो बस मैं क्या बोलूँ, हालात की वजह से। तो बेल आउट पीरियड को कंसिडर करेंगे तो 2 साल आएगा, वैसे 3 साल आ रहा है। इसको नोट करेंगे प्लीज, इसको नोट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई ऑन योर ओन, इट्स योर क्विज। वहां भी आपको, आप खुद सॉल्व करें, वहां भी आप टैकल हो जाएगा। आपने मोहम्मद आमिर को देख लिया तो वहां भी क्या चीज है, जल्दी से वहां रियाज ट्राई करें। ट्राई ऑन योर ओन दिस क्वेश्चन नंबर 4। आई वॉन्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज जस्ट नोट दिस डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू नोट दिस टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस क्वेश्चन नंबर 3, एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग, आई वुड लाइक यू टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड टेल मी व्हाट द राइट आंसर। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें, रिकॉर्डिंग पॉज करके करेंगे, रिकॉर्डिंग वाले साथ डायरेक्ट करेंगे, जल्दी करेंगे प्लीज स्टार्ट। अच्छा जी, आ गया जी, दैट्स गुड यार, काफी लोग आंसर आ गए, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चले मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, बेहतरीन हो गया। इरशाद डेसिमल में नहीं आ सकता यार, प्लीज। बेल आउट पे बैक का मसला ये है कि मैं भी क्लियर करूंगा बात, के डेसिमल में नहीं आ सकेगा। उसकी वजह ये है कि जो पे बेल आउट पीरियड होता है ना, वो हमेशा बेल आउट का जो ऑफर होता है वो आखिर में ही दिया जाता है ना, आपको लास्ट में दिया जाता है, इसलिए मैं नहीं समझता कि ये होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अगेन इसी तरह टेबल बनेगा, एयर कैश फ्लोज, ठीक है मैं बताता हूँ, मैं दफा से बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, डेसिमल में नहीं आएगा इसका, आसमानी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। देखा, गौर से देखिएगा, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस, तो ये कितना हो गया, 300, 400, 400, 400 क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हो गया, 300, 700। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना पे बैक में। अच्छा बेल आउट कैश फ्लोज कितने कितने साल के आखिर में? अब आप देख रहे हैं बेल आउट जीरो क्यों हो रहा है, बेल आउट जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि एंड में प्रोजेक्ट नॉर्मली लाइफ जीरो होती है ना, अक्सर एंड में लाइफ जो है वो जीरो होती है, नहीं एंड में। ठीक है, अच्छा दोनों को ऐड करके देखेंगे, सॉरी बेल आउट कैश फ्लो के बाद टोटल कैश फ्लो का कॉलम दिया था ना, 750 आ गया बेल आउट, बेल आउट नहीं जी, 1200 रुपये लगाए हैं, ऐसे कैसे आएगा 1200 रुपये लगाए, नहीं आया 700, 300, 1000, नहीं आया, अभी भी नहीं आया। मेरी बात समझ आ रही है? देख लें, दोनों सालों में नहीं आ रहा, मेरी बात समझ आ रही है? 300 और 4, 450, 750 नहीं हुआ, 300 और 400 को ऐड किया, क्यूमुलेटिव हो गया 700। दोनों सालों के मिला के पैसे जो हमने कमाए हैं वो 700 हो गए। ठीक है, बेल आउट 300 है तो 1000 नहीं हुआ। अब आप देखें, अब हो गया बेल आउट 1100, 150, 300, 400, 400, इन तीनों को ऐड किया 1100 हो गया कंबाइंड, 3 सालों का कंबाइंड 1100 और 150 मजीद। तो पेल आउट हो गया, नहीं हुआ, जवाब दें। यस, अब बोलेंगे सर नहीं तो ज्यादा हो गया, तो
हमें तो 1200 करने चाहिए था, ये तो 1250 हो गया। या कोई बात नहीं, खैर हो गई, खैर हो गई, कोई सा मसला नहीं है, कोई सा मसला नहीं है। अब आप बोले नहीं सर इसको डेसिमल में कर, डेसिमल में इसलिए नहीं आ सकता यार, देखें ये जो बेल आउट होता ना, बेल आउट ये हमेशा जो ये फिगर था ना, ये ईयर एंड की फिगर था। देखिए मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्यों आपके पास डेसिमल में नहीं आ सकता। देखें ये जो फिगर है ईयर एंड की है, ये दरमियान की नहीं है। अच्छा कहाँ लिखा हुआ था ये देखें, ये एट दी एंड ऑफ ईच पीरियड। मेरी बात समझ आ रही, देख रहे क्या लिखा हुआ है, एट ईच पीरियड एंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस हर साल के एंड में देखा जा रहा है सेल करें या ना करें, हर साल के आखिर में देखा जा रहा है, क्लोजिंग के वक्त देखा जा रहा है बिजनेस सेल करें ना करें। हर वक्त बिजनेस के ऊपर सेल का बोर्ड नहीं लगा हुआ, हर वक्त बिजनेस को सेल नहीं किया जा रहा। जो बिजनेस की सेल प्रोसीड दी जाएंगी आपको, वो एंड में दी जाएगी, यानी कि जितना बेल आउट का कैश फ्लो दिया जा रहा है, ये आपको एंड ऑफ द ईयर दिया जा रहा है। जब आपको एंड ऑफ द ईयर दिया जा रहा है, तो ऑफर आपके पास एंड ऑफ ईयर के अलावा अवेलेबल ही नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ कि ये जो है वो नॉर्मल पेबैक से हट के है। मैं मानता हूँ कि बिजनेस कभी भी सेल हो सकता है प्रैक्टिकली, मैं मानता हूँ कि ऑफर कभी भी आ सकती है, मगर जो डेटा हमें प्रोवाइड किया जा रहा है बेल आउट का, वो चूंकि एंड ऑफ ईयर है, इसीलिए हम एंड ऑफ ईयर के अलावा नहीं जा सकते। तो सर ये ऊपर जा रहा है 50 रुपए से, जाने दे को बात नहीं, बेबैक में ये थोड़ी पैसे कवर करने ना यार, पैसे तो कवर हो गए ना हमारे। तो सर 2 ईयर्स क्यों नहीं हुआ, 2 ईयर इसलिए नहीं हुआ, 2 ईयर में पैसे पूरे नहीं हुए थे हमारे पास, यहाँ सिर्फ 1000 जमा हुए थे, हालांकि हमें 1200 कवर करने थे। मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ पे बेल आउट नहीं हो सकता, पे बैक नहीं हो सकता, पे बैक नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे कम जमा हुए ना भाई, पैसे कम जमा हुए। मेरी बात समझ आ रही है, पैसे कम जमा हुए, क्लियर है बात हमें, आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट, एग्री करेंगे। कितने लोगों का आंसर यही आया एग्जैक्टली, फाइनल मुझे बताएं। 3 ईयर्स आ चुका है, डेसिमल में नहीं है, 3 ईयर्स आ गया था। कितने लोग हैं प्लीज यस करके बताएं ना यार, पार्टिसिपेट करें, हमको पार्टिसिपेशन इन सेशन की जान होता है। फखर अब्बास का आया था, और अक्षा का आ गया, रोहन का आ गया, गया तासीर जिया का आ गया है, दैट्स गुड। और 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, इकरा जमाल का आ गया था, ठीक है गुड। इरशाद का आ गया, दैट इसका तो आ रहा है आंसर यार, ऐसी बात नहीं है माशाल्लाह, ठीक है। बाकी लोग भी देख लें, इश्क आसमानी क्लियर है अभी, क्लियर है इश्क आसमानी, कंफर्म करें अभी क्लियर है, कोई सवाल है पूछ लें। डेसिमल में नहीं हो सकता क्योंकि जो फिगर दी है बेल आउट की है, मजबूरन आपको ईयर एंड की दी हुई है। चलो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नोट कर लें। चलिए मैं अजान के बाद बात करता हूँ, अजान हो रही है, मैं अजान के बाद बात करता हूँ, आप इसको नोट करें, नोट कर लें। रन के कंटिन्यू करते हैं बात को, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी कंटिन्यू करेंगे बात को, ये हो गया नोट। अच्छा एक चीज मैं कभी पहले करा देता हूँ, कभी बाद में करा देता हूँ, आप लोगों को पहले करा देता हूँ मैं, चलें साथ साथ हो जाएगा। लास्ट सेशन में आप लोगों को शायद मैंने अगले लेक्चर में करवाई थी, सेकंड लेक्चर में करवाई थी, आप लोगों को मैं फर्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ, कोई समस्या नहीं है। अच्छा ये पे बैक पीरियड में ना कुछ एडवांटेज एडवांटेजेस हैं, इसके भी जरा हम नोट कर लेते हैं। तो हाउ इफेक्टिव इज पे बैक पीरियड, यानी कि एडवांटेज एडवांटेज का दूसरा नाम फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। एडवांटेज एडवांटेज समझाने से पहले ना मुझे एक साइड में एग्जांपल भी समझानी है, तो मैंने उसकी भी जगह छोड़ी। एडवांटेज क्या है जी, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड,
और इट इवेल्युएट्स रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट कितनी रिस्की है ये पता चलता है, एग्री करेंगे? देखे ना यार, मतलब अगर ज्यादा बड़ा पेबैक है तो इसका मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट है, क्या ख्याल है? और अगर कम है तो कम, मतलब कम रिस्की है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? एक और इसका एडवांटेज बताएं क्या, जो जो एआरआर का नुकसान था, जल्दी बताएं इसका एक एक और फायदा क्या है। तो आप भी पार्टिसिपेट करें ना, लेकिन यार टेक्निक पे हमने बात की है तो थोड़ा सा मुझे आपका इनपुट भी चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट? नो नो नो, इट इज बेस्ड ऑन कैश। विच इज मोर ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव समझते हैं, टेंजिबल कैश फ्लो कंसिडर करता है। बिल्कुल, इट इज बेस्ड ऑन कैश, इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, नेट कैश फ्लो पे बेस करता है। ये बात समझ आ रही है? नुकसान क्या है इसका? सब्जेक्टिव नहीं है बिल्कुल, नुकसान क्या है इसका? इट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। विच कैन बी कैटर्ड इन डिस्काउंटेड पेबैक। एक डिस्काउंटेड पेबैक टेक्निक होती है, उसमें कैटर हो जाता है। ना विच कैन बी कैटर्ड इन डिस्काउंटेड पेबैक। अच्छा अब यार सुनिएगा भाई, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। बिल्कुल अक्सर इससे बात करते हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक में इन्वेस्टमेंट चाहिए 1000, दूसरे दूसरे में चाहिए लेट से 500। ठीक है गौर से सुनिएगा, और से सुनिएगा। नेट कैश फ्लो आ रहे हैं, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, दो सौ, तीन सौ। ठीक है, गौर से सुनिएगा प्लीज। ठीक है बिल्कुल बात करते हैं, सेकंड ईयर में आ रहे हैं, मुझे बताएं किसका पे, पहले वाले का पेमेंट कितना है? पहले वाले का पेमेंट कितना है, जल्दी जल्दी बता दें। पहले वाले का फर्स्ट का पेबैक नहीं है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी तरफ से गलती है, सॉरी। फर्स्ट वाले का पेबैक कितना है अब बताएं, जवाब दें। और सेकंड वाले का, सेकंड वाले का, मगर मुझे बताएं ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है? वैसे आपस की बात है, जल्दी बताएं ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है, बताएं सोच के। ठीक ऑब्वियसली, क्यों क्यों? क्योंकि यार नहीं, फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा नहीं है, उसकी वजह ये है कि
आप बाद में देखे ना कैश फ्लो कितने बारी बारी आ रहे हैं, ये तो पेबैक के बाद बिल्कुल खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। तो एक बड़ा मसला पेबैक पीरियड के साथ ये है कि इट इग्नोर्स कैश फ्लोज आफ्टर द पेबैक पीरियड। दैट इज नॉट कंसिडर्ड इंटायर लाइफ ऑफ दी प्रोजेक्ट। अच्छा मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देता हूँ। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, मैं आपको जैज की बात बताऊँ, सुनिएगा ये मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। क्या लगता है इन्होंने पैसे शुरू से पहले दिन से बनाने शुरू कर दिए क्या? क्या पहले दिन से पैसे बनाने शुरू कर दिए? जवाब दे मुझे। नहीं यार बड़ी मेहनत हुई है, पता है एक जमाना था आपको पता, आप बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, अर्ली 2000 की जब टेली कम्युनिकेशन का नया नया दौर शुरू हुआ था, कितनी कंपनियां तो आगे चले गई लॉस की वजह से। आपने नाम भी नहीं सुना होगा, एक कंपनी थी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, इंस्टाफोन। एक कंपनी थी इंस्टाफोन, मेरे घर के थोड़ा सा करीब ज्यादा दूर नहीं, जो है वो साहब रहते थे जिनकी इंस्टाफोन थी, नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। ये कंपनी आई, इसका फोन जो 0320 है ना, ये इनका नंबर होता था 0321, तो वारिस बाद में मिला है, मगर वारिस के आने से पहले 0320 जो है ना वो इंस्टा फोन का नंबर होता था, काफी लोगों ने इस्तेमाल किया। ये बहुत पुराने दौर की बात है ना, जब नोकिया 3310 और नोकिया के नए नए बड़े बड़े फोन आते थे ना कीपैड वाले, उस वक्त की मैं बता रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल पाकटेल है, बिल्कुल पाकटेल का नाम सुना है आपने? पाकटेल का नाम ही नहीं सुना होगा। जो पाकटेल कंपनी थी इंस्टा फोन बिल्कुल वैनिश हो गई, रॉ ये चले गई। जैज ने बड़ा यार मतलब मेहनत की है, बड़े लॉसेस बर्दाश्त किए, 25-25 रुपए की कॉलें होती थी यार एक जमाने में, 2,500 रुपए की सिम होती थी, 5,000 रुपए की सिम होती थी, सेट बहुत महंगे महंगे होते थे उस वक्त, लोग पूछते नहीं थे उस वक्त, ये नुकसान भी चलते थे। तो शुरू में इन्होंने ना इतने पैसे नहीं कमाए यार, इसी तरह पाकटेल एक कंपनी थी, आई डोंट नो नाम सुना है पाकटेल का आपने? इसका नंबर होता था 0303, ठीक है। ये पाकटेल अब आज बन गई है जोंग, ये पाकटेल जो है ना, फिर ये पाकिस्तानी कंपनी थी मगर इसको बाद में जोंग चाइनीज कंपनी ने एक्वायर किया, और कोड भी चेंज हो गया 0303 से ये कोड हो गया 0313। मैं पुरानी हिस्ट्री बता रहा हूँ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की, आपने नहीं, इतना इतनी पुरानी भी नहीं है कि आप पैदा नहीं होंगे, ये बिल्कुल आपके बचपन की बातें, ये आपके वाले साहब को पता होंगी, और जो लोग मतलब मोबाइल फोन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे शुरू में उनको पता होगी ये बात। तो कहने का मतलब है कि यार आप ऐसा बिजनेस तो आहिस्ता 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 ग्रो करते ना, वन फाइन मॉर्निंग तो नहीं। तो अब आप मुझे बताएं कि यार आप मुझे बताएं फिर जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस है उनका ग्राफ कैसा है? ए बी है अगर इस तरह के सवाल, अब ये तो बी तो ए तो बेचारा डाउनवर्ड है, ए तो ए की तो लग रहा है डेथ होने वाली है, ए की तो डेथ होने वाली है ऐसा लग रहा है। कुछ बिजनेस होते हैं ना जो आते बड़े धमाके से हैं और फिर वो जाते भी जल्दी हैं, नहीं कुछ बिजनेस होते हैं जो आते तो बहुत तेजी से हैं वो भाई जबरदस्त, मगर फिर क्या होता है कि उनका एग्जिट भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसका तो मुझे लग रहा है एक एक चीज होती है CFF3 में मैं पढ़ाता हूँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पता नहीं CFF3 तुम लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, जो लोग MFA पढ़ते हैं उनको ये बात पता है। 0303 ना पहले मोबिलिंग हुआ था, पहले जोंग होता था पहले, तो बाद में जब ये जोंग हुआ ना तो इन्होंने 0313 कर दिया इसको बाद में। खैर तो आपने लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जिनको आइडिया, जो लोग CFF3 में पढ़ेंगे भाई इसकी तो लाइफ साइकिल मुझे गिर नजर आ रही है, तो डिक्लाइन पे जा रहा है, तो प्रोडक्ट बन हो जाएगा ऐसा लग रहा है, और ये लग रहा है ग्रोथ वाला प्रोडक्ट, इसने पेस पकड़ लिया अभी आगे जाएगा। तो यार कहने का मतलब है कि ये जो कैश पेबैक पीरियड है, ये आगे वाले कैश को कंसिडर ही नहीं कर रहा, पेबैक पीरियड तो आपको रोक रहा है। आप मेरी बात समझ रहे? तो इट इग्नोर्स टाइम कैश फ्लो आफ्टर द पेबैक पीरियड। एक और मसला सुन लें, अब मैं एक और एग्जांपल बना रहा हूँ, और से देखिएगा ए और बी कलर चेंज करते हैं। इन्वेस्टमेंट दोनों की
मुझे बताएं दोनों का पे बैक क्या आ रहा है, दोनों का पे बैक क्या आ रहा है, जल्दी देखें दोनों का पे बैक क्या आ रहा है। 3 ईयर्स आ रहे हैं दोनों का, चेक करें। मगर मुझे बताएं दोनों एक जैसे प्रोजेक्ट हैं, फिर भी आप प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले बताएं प्रायोरिटी किसको देंगे, जल्दी जल्दी बताएं। ए को बी को, जल्दी बताएं ए को प्रायोरिटी देंगे या बी को प्रायोरिटी देंगे, जवाब दें। ए को क्यों, कौन क्यों प्रायोरिटी दोगे यार? नहीं, मेरे ख्याल से तो यार आपको ना बी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आपको शुरू में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं बी में। क्या ख्याल है? शुरू के सालों में ज्यादा पैसे एक्सपेक्टेड होता है ना, ये तो हमेशा एस्टिमेटेड होता है, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि शुरू में ज्यादा पैसे उठा लो। कल किसने देखा है, अगला साल किसने देखा है, उसका अगला साल किसने देखा है? हालात का कोई भरोसा नहीं, इन्फ्लेशन रेट का कोई भरोसा नहीं, डॉलर रेट का कोई भरोसा नहीं, मुल्क के हालात का भरोसा नहीं, क्या कहते हो? नहीं समझे? प्रैक्टिकली भी देखे ना, हम तो अपना रिस्क कवर करना चाहते हैं ना, तो कहाँ रिस्क ज्यादा। इवन तो दोनों नटशेल में आंसर सेम है, पैसे वापस मिलेंगे वो मसला नहीं है, मगर जहाँ पैसे जल्दी वापस मिले वो एक लग्जरी नहीं है यार आज के दौर में। पैसे कम लगे वो बात सही है, मगर बात ये पैसे तो वापस मिल रहे हैं, चाहे मेरे 300 लगे हो 500 लगे हो, मुझे ये टेंशन नहीं है कि पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे तो मुझे पूरे मिलेंगे। रिलायबल लोग हैं दोनों बंदे, रिलायबल है, तो वो मसला नहीं है कि कम पैसे लगाऊंगा तो कम पैसे डूबेंगे, ज्यादा पैसे लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे डूबेंगे, नहीं। मसला ये कि पैसे जल्दी वापस कब मिलेंगे, तो हमें तो कोशिश करनी है जितना जल्द से जल्द पैसे मिले, प्रोजेक्ट विद सेम पे बैक मे हैव डिफरेंट टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज। एग्री करेंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं, जो कैश फ्लो की टाइमिंग है वो भी जो इग्नोर हो रही है, विच विच इज नॉट कंसिडर्ड इन पे बैक पीरियड। मेरी बात समझ आ रही? क्लियर है बात यहां तक? आर वी क्लियर इन दिस पॉइंट? नहीं देखें, क्या दोनों की टाइमिंग सेम है? प्रैक्टिकली इसमें ज्यादा पैसा आपने 90% पैसा शुरू में उठा लिया, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा। देखो अमाउंट तो इरेलीवेंट हो गया ना, जब हम पे बैक की बात करते हैं ना, अमाउंट इसलिए रेलिवेंट हो जाता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हमें पैसे तो वापस मिल ही रहे हैं। अच्छी ये बात समझ आ रही है? पैसे तो वापस मिलेंगे ना, पे बैक तो आ रहा है। हाँ पे बैक ही नहीं आ रहा होता तो बड़े डर होता। हम ये नहीं कह रहे पार्टी खुदा ना खासा फ्रॉड कर जाएगी, चीट कर जाएगी, पैसे डूब जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब बात ये कि यहाँ 90% पैसा रिकवर हो गया शुरू के 2 सालों में, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 33% पैसा रिकवर हुआ है शुरू के 2 सालों में। तो एक कैश फ्लो वाइज देखो ना, प्रैक्टिकली भी मुझे बताओ ना, एक फर्म आपको स्टेपेंड दे हर महीने, और फर्म आपको बोले नहीं यार एक काम करते हैं आपको स्टेपेंड ना पूरे 12 महीने के एक साथ देंगे, जो लोग बेचारे प्रोबेशन में होते हैं उनको कितना प्रॉब्लम होता है 3 महीने तक स्टेपेंड नहीं मिलती, ऐसा है नहीं है? मुझे बताओ, ऐसा नहीं है? फर्म पैसे खा जाती, पैसे देती है फर्म, मगर फर्म क्या करती है, रोक देती है पैसे, एक साथ 3 महीने के पैसे देती है। तो जब एक साथ 3 महीने के पैसे मिलते हैं तो फिर आपको थोड़ा अफसोस भी होता है ना यार, या नहीं होता? मुझे बताओ, या खुश होते हो कि चलो यार इकट्ठे पैसे मिल गए, कोई बात नहीं फर्म रख लो पैसे 3 महीने 6 महीने के साथ दे देना, रखो और रखो पैसे। आप बोलोगे वो भाई पैसे दो यार, खर्चे हर महीने करने हैं। हाँ मेरी बात समझ रहे हो, पर्सनल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मगर क्या करूँ, समझाने के लिए देनी पड़ती है कई बार। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि यहाँ जो है ना फर्म ने तुम्हारे पैसे रोक लिए, फर्म कह रही है 30 साल ले लो पैसे, पहले साल भी फर्म ने पैसे नहीं दिए, सेकंड ईयर भी पैसे नहीं दिए, थर्ड ईयर फर्म ने दबा के पैसे दे दिए, पिछले सालों के पैसे दे रही है। क्लियर है अभी? अभी क्लियर है? अभी समझ आई? हाँ क्या नाम है, बाकी लोगों को समझ आई? क्या नाम है, रोहन, क्लियर हुई बात? रऊफ, क्लियर हुई? नहीं सॉरी अक्सम, क्या नाम है ये, इरशाद, क्लियर हुई? सॉरी एच कासवानी, क्लियर है बात? कि शुरू में अगर फर्म आपके पैसे रोक रही है तो, और बाद में पैसे दे रही है, तो पैसे तो मिल रहे हैं, मगर भाई बेहतर नहीं था कि शुरू में फर्म बोलती लो बेटा पैसे लो, अभी बहुत पैसे लो, वो टेंशन ही नहीं है, आखिर में भले पैसे रोक लो, हम कहेंगे खैर। अच्छा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये भी हमने ये नोट कर लिया, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कहा ना साथ साथ कवर करना होगा, और हमें सिनेरियो से भी कनेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है जी, ऊपर वाले ऑप्शन में इन्वेस्ट ए बेहतर इसलिए था, ए बेहतर नहीं था ना उसमें भी, बी बेहतर था इसमें, मेरे हिसाब से बी बेहतर था। वैसे तो ए इसलिए बेहतर था क्योंकि पेबैक छोटा है, पेबैक की बेस पे ए बेहतर था, पेबैक छोटा है ना, पेबैक छोटा होना अच्छी बात है, तो हम यही तो एक कह रहे हैं कि यार पेबैक के हिसाब से तो ए अच्छा है, मगर प्रैक्टिकली देखें तो बी अच्छा है।
जो मैं जेज की एग्जांपल दी, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो तो बाद में पैसे कमाते हैं, शुरू में तो पैसे गंवाते हैं, शुरू में तो जेब से पैसे लगाते हैं। सुना है ना, बिजनेस बना जनाने के लिए आपको शुरू में जेब से पैसा लगाना पड़ता है। तो पे बैक तो उल्टी बात करे, पे बैक तो कह रहे हैं ए पे चले हो, पे बैक तो आपको कहता है बस इसको देख के फैसला करो। आशीष बात समझ आ रही है, पे बैक की बेस पे आप शायद ए पे चले जाओ, मगर मैं अभी प्रीवियस एग्जाम्पल पे आ गया हूँ, मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मेरा आपका बिजनेस हो तो शायद हमें टेंशन इससे नहीं होगी, हमें टेंशन इससे होगी कि यार ये तो डिक्लाइन पे जा रहा है, हमें तो लगेगा नहीं यार ये अच्छा है कि ये चलो ग्रोथ पे जा रहा है। तो पेबैक हमें वो डिसीजन नहीं दे रहा जो हमारा होना चाहिए, ये इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है हेडिंग में, क्या है ऊपर हेडिंग आई है देखो, डिसएडवांटेजेस, ठीक है ना। तो पेबैक कुछ और कह रहा है और एक्चुअली अच्छी चीज कुछ और है, जब भी हम इसको लिमिटेशन में लिख रहे हैं, डिसएडवांटेज कह लो या लिमिटेशन कह दो, क्लियर हुई बात हमें। चलो जी मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं, नमाज का भी टाइम हो रहा है, 1:30 बजे नमाज है, 1:23 हो गए, और कल फिर एनपीवी आईएनआर पे टाइम वाले 1 ईयर स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बताएं क्या ये बातें समझ आ रही हैं, क्या हमारी अप्रोच क्लियर हो रही है? टू वे अप्रोच है जी, बहुत सारी जगहों में आपको ये पूरे सेशन में इंश्योर होगा कि मैं आपसे काम ज़्यादा कराऊँ, जहाँ मैं मुझे ज़रूरत होगी मैं करा दूंगा आपको काम, उसके बाद मैं आपको डेलीगेट कर दूंगा, जैसे आज भी आपको मैंने पे बैक में डेलीगेट किया, बेल आउट में डेलीगेट किया, एआरआर में डेलीगेट किया, ठीक है जी। इंशाल्लाह यही अप्रोच रहेगी। और भी यार आपके कोई दोस्त वगैरह इंटरेस्टेड हो बीएफडी में तो आप उनको मेरा नंबर दे सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे सकते हैं, हो सकता है कि आपके वजह से किसी को फायदा हो जाए और उसको भी समझ आना शुरू जाए, ठीक है। चलें यार यहीं तक रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह से कल मुलाकात होगी, कल कोशिश करेंगे 11:15 स्टार्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।